गुड मॉर्निंग क्लास 9। छुट्टी से पहले मैंने आपको पढ़ाया था बहू की विदा। आज वर्कबुक को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो ये पहला है एक्सट्रैक्ट। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। उपयुक्त कथन, किसने किससे कब तथा क्यों कहा। उपयुक्त कथन, जीवनलाल ने प्रमोद से कहा और उस समय कहा जब वह अपनी बहन को विदा कराने आया था पहले सावन में। श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में क्या कहा। यहाँ श्रोता प्रमोद है और उसने जीवनलाल से अपने सामर्थ्य के संबंध में यह कहा कि उसका जितना सामर्थ्य था उसके अनुसार उसने दहेज की रकम दे दी। झोपड़ी तथा महल से वक्ता का संकेत किस किस ओर है। झोपड़ी से प्रमोद की ओर अर्थात गरीबी की ओर तथा महल से अमीरी अर्थात जीवनलाल की ओर संकेत है। वक्ता किस बात पर क्रोधित है तथा क्यों। वक्ता को दहेज की पूरी रकम नहीं मिली है और उसके अनुसार बारातियों का स्वागत भी ठीक से नहीं किया गया जिसके कारण वक्ता परेशान है और प्रमोद पर क्रोधित भी है। उसके अनुसार प्रमोद ने उसे कम दहेज देकर उसका अपमान किया है। सेकंड एक्सट्रैक्ट, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती हो तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजो। यहाँ भी वक्ता जीवनलाल है और उसके अनुसार उसकी शान को यह ठेस पहुँची है कि प्रमोद ने उसके अनुसार उसको दहेज नहीं दिया है क्योंकि प्रमोद गरीब है और जीवनलाल अमीर। तो जीवनलाल उससे और दहेज की अपेक्षा रखता है लेकिन प्रमोद उतना नहीं दे सकता और ये जीवनलाल के शान के खिलाफ है। थ नंबर, घाव। घाव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया। घाव शब्द का प्रयोग किया गया है कि प्रमोद ने उसे दहेज की पूरी रकम नहीं दी जितना जीवनलाल चाहता था। आपको पता है कि दहेज एक अभिशाप है, एक कुरीति है जो समाज में सुरसा के मुंह की तरह फैलता चला जा रहा है। हम जितने शिक्षित होते जा रहे हैं दहेज प्रथा भी अपना जड़ जमाते चली जा रही है। वक्ता ने घाव के लिए मरहम भेजने की बात कहकर क्या संकेत किया था। वक्ता ने घाव के लिए मरहम अर्थात दहेज की बाकी रकम भेजने का संकेत किया। क्या वक्ता के उपयुक्त कथन को आप सही मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दहेज को कितना समर्थन देते हैं, उससे कितना सहमत हैं और असहमत हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। थर्ड एक्सट्रैक्ट, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम उत्तेजित मीन्स बहुत अधिक जोश में, गुस्से में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। उपयुक्त कथन में कौन किससे किस संदर्भ में बातें कर रहा है। उपयुक्त कथन में जीवनलाल कमला का भाई प्रमोद से बातें कर रहा है जब प्रमोद ने कहा कि अभी कमला को विदा कर दीजिए, मैं आपकी बाकी रकम बाद में दे दूंगा। तब क्रोधित हो जाता है जीवनलाल और उपयुक्त कथन कहता है बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये से उसका क्या आशय है। बाल धूप में सफ़ेद नहीं होना अर्थात अनुभवी होना, यानी जीवनलाल कहता है कि तुम प्रमोद से कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और मेरी आयु तुमसे अधिक है और मुझे तुमसे अधिक अनुभव है, इसलिए तुम मुझे झांसा नहीं दे सकते कि मैं अपनी बहन को भी विदा करा कर ले जाऊंगा और दहेज की बाकी रकम बाद में दे दूंगा। वक्ता ने उपयुक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे। जब प्रमोद ने ये कहा कि कमला को अभी विदा कर दीजिए और दहेज की बाकी रकम मैं आपको बाद में दे दूंगा। वक्ता की क्या मांग थी। वक्ता जीवनलाल है और उसकी मांग थी दहेज के 5,000 रुपये जो बाकी थे।
वक्ता के अनुसार उसके नाम पर क्या धब्बा लगा था? वक्ता के अनुसार प्रमोद ने बरातियों का स्वागत भी ठीक से नहीं किया और उसे दहेज की पूरी रकम भी नहीं दी, जिसके कारण समाज में उसका अपमान हुआ, उसकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची थी। क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति ये सोचता है कि अगर उसे अधिक दहेज मिलेगा तो समाज में उसका नाम होगा कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक दहेज मिला है। फोर्थ एक्सट्रैक्ट, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह शब्द का प्रयोग जीवन लाल के बेटे रमेश के लिए हुआ है, जो कमला का पति भी है। वक्ता ने उपयुक्त बात श्रोता के किस कथन के उत्तर में कही? जब जीवन लाल अड़ जाता है कि वह कमला को प्रमोद के साथ नहीं भेजेगा जब तक कि प्रमोद उसे दहेज की बाकी रकम नहीं दे देता है, तब प्रमोद कहता है कि यदि रमेश बाबू होते तो शायद कमला को भेजने का प्रबंध करते। इस पर जीवन लाल कहता है कि रमेश प्रमोद की तरह बदतमीज नहीं है और अपने पिता के सामने वह कुछ भी नहीं कहता। वक्ता ने अपने बेटे की क्या विशेषता बताई? वक्ता ने अपने बेटे के बारे में कहा कि वह एक पितृभक्त है, पिता के आगे वो कभी भी अपनी जबान नहीं खोलेगा और पिता की अवज्ञा नहीं करेगा। अवज्ञा मीन्स उनकी आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञा का विरोध नहीं करेगा। वक्ता का बेटा कहाँ गया हुआ था और क्यों? वक्ता जीवनलाल है, उसका बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को लेने के लिए उसके ससुराल गया हुआ था, क्योंकि गौरी का भी पहला सावन था और पहले सावन में लड़कियां अपने मायके आ जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या उसका जाना सफल रहा? नहीं, गौरी के ससुराल वाले भी दहेज के लोभी निकले और उन्होंने भी दहेज की और मांग की, और जब तक वो पूरी रकम नहीं दे देते गौरी को नहीं भेजने के लिए उन्होंने कहा, और रमेश खाली हाथ वापस लौट आया था। तुम्हारी बहन, पांचवा एक्सट्रैक्ट, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? उपयुक्त वाक्य किस एकांक से लिया गया है? उपयुक्त वाक्य बहू की विदा से लिया गया है, और यह वाक्य जीवन लाल ने प्रमोद से कहा, क्योंकि जीवन लाल को दहेज पूरा नहीं मिला है, जिसके कारण वो बहुत क्रोधित है और कहता है कि अगर तुम्हारी बहन विदा नहीं होगी तो इसके दोषी तुम और तुम्हारी माँ है। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे का आशय यह है कि जब तक तुम दहेज की पूरी रकम नहीं दोगे, तुम्हारी बहन के सपने कि वो पहला सावन में अपने मायके जाए, अपनी माँ से मिले और अपनी सहेलियों के साथ सावन बिताए, ये उसके सपने थे जो कभी पूरे नहीं होंगे। वक्ता ने सपने पूरे न होने के लिए किस किस को जिम्मेदार बताया? वक्ता ने सपने पूरे न होने के लिए कमला का भाई प्रमोद और उसकी माँ को जिम्मेदार बताया। क्या आप वक्ता के कथन को उचित मानते हैं? बच्चों, ये आप खुद करोगे। घ नंबर, वक्ता ने अपनी बेटी गौरी के विवाह के संबंध में वक्ता से क्या कहा? वक्ता जीवनलाल है और उसने अपनी बेटी गौरी के विवाह के संबंध में बहुत बढ़ चढ़कर प्रमोद के सामने बड़ाई की कि हम बेटी वाले होते हुए भी अपनी नाक ऊंची रखते हैं और हमने अपनी बेटी गौरा को बहुत अधिक दहेज दिया है। इस बात से वक्ता के चरित्र का ये पता चलता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी है, कठोर स्वभाव का व्यक्ति है। और जीवन लाल के चरित्र चित्रण को आप यहाँ देख सकते हो, पेज नंबर वर्कबुक में, पेज नंबर 19 में, जीवन लाल यहाँ। ये आप देख सकते हो कि जीवन लाल किस तरह का व्यक्ति है। सिक्स, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है, बहू बहू। उपयुक्त कथन जीवन लाल ने प्रमोद से कहा जब प्रमोद ये कहता है कि आपकी बेटी भी मेरी बहन भी आपकी कुछ लगती है, तब
जीवनलाल ने गुस्से में कहा कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। बेटी और बहू से किस किस की ओर संकेत है? बेटी से प्रमोद की बहन कमला की ओर संकेत है, सॉरी बेटी से रमेश यानी जीवनलाल की बेटी गौरी की ओर और बहू से प्रमोद की बहन कमला की ओर संकेत किया गया है। बेटी वाला होकर भी वक्ता को किस बात पर अहंकार था? बेटी वाला होकर भी वक्ता को इस बात का अहंकार था कि उसने अपनी बेटी को बहुत अधिक दहेज दिया है, जिसके कारण उसके ससुराल वाले उसकी बेटी को कभी तंग नहीं करेंगे। बेटी बेटी है सॉरी, और बेटी का वहाँ बहुत अधिक सम्मान होगा दहेज अधिक देने के कारण। पर शायद जीवनलाल को ये पता नहीं था कि दहेज के लोभी के लिए दहेज कभी भी अधिक नहीं होता, वो हमेशा कम ही होता। उनको जितना दहेज दिया जाए वो और अधिक चाहते हैं। बेटी बेटी है बहू बहू, इस कथन से वक्ता की किस मानसिकता पर प्रकाश पड़ता है? बहुत छोटे छोटी मानसिकता का है वक्ता, और वो बेटी को तो सम्मान देता है पर बहू को वो सम्मान वो नहीं देता जो वो अपनी बेटी को देता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 7 नंबर एक्सट्रैक्ट से नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।